हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो हम इसमें जो हम हमारे टॉपिक रहेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट आर दे, देयर टाइप्स, देयर यूजेस एंड एप्लीकेशंस एंड देयर केमिकल मेकअप। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो फर्स्टली, ये स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल रहेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि एक लार्ज, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पॉली मीन्स मैनी एंड मेयर्स मीन्स पार्ट्स और रिपीटिंग यूनिट। इट मीन्स कि जो पॉलीमर्स हैं वो एक छोटी सी पार्ट्स के और रिपीटिंग यूनिट्स के रिपीट होने से बनते हैं, जिसको कि हम मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन की बात करें पॉलीमर्स की, तो हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। इट मीन्स कि जो बीड्स हैं हमारे वो एक स्ट्रिंग्स में पिरोए हुए हैं। तो जो बीड्स होंगे इसमें उनको हम मर्स बोलेंगे, मोनोमर्स यूनिट्स बोलेंगे, जो कि बार बार रिपीट होके एक थ्रेड के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर एक लंबी चेन बना देंगे, ठीक है। तो जो इसमें स्ट्रिंग होगा वो बीड्स के अंदर एज ए केमिकल बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ पॉलीमर की बात करते हैं। तो पॉलीमर्स आर ह्यूज चेन्स, 20 से 40,000 तक इंडिविजुअल इसमें मोनोमर यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये काफ़ी लंबे लॉन्ग चेन पॉलीमर होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर्स की बात करें, तो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल। नेचुरल में हम कॉटन, सिल्क, वुड और लेदर की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। और सिंथेटिक, जो कि मैन मेड है, जिसको कि मैन ने बनाया हुआ है, तो इसमें प्लास्टिक्स, नायलॉन्स एंड लेटेक्स एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें हम, तो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी प्लास्टिक्स, ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि हीट करने के बाद हार्डन नहीं होते हैं और जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इजीली इनको रिसाइकल किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्मोसेट्स। और थर्मोसेट्स ऐसे पॉलीमर्स रहेंगे जो कि गर्म करने के बाद हार्डन्ड हो जाते हैं और इनको हम रिसाइकल्स और रिफॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं। तो एडवांटेज, जब भी कोई मैनमेड चीज़ बनती है तो उसके एडवांटेज होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एडवांटेज भी एंड डिसएडवांटेज भी। तो पॉलीमर्स के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, तभी इनको अडैप्ट किया जा रहा है, तभी इनको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है, लाइट इन वेट होते हैं, वेट में कम हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं और ईजी टू मैनुफैक्चर होते हैं, ठीक है। इन्हीं एडवांटेज के साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अभी ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होने के साथ की वजह से ये क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। इट मीन्स कि ये सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम कुछ यूजेस की बात करते हैं। तो लाइट वेट और ड्यूरेबल होने की वजह से इनको हम इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, क्लोथ्स, टॉयज एंड हॉबीज़ में यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड मटेरियल्स इनसे बनाए जाते हैं एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स भी इनसे फॉर्म किए जा रहे हैं। तो अब हम समरी की बात करते हैं, समराइज़ कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो लार्ज चेन्स होती हैं, जिसमें कि रिपीटेड यूनिट्स रहती हैं, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और हर एक्सेप्ट ऑफ लाइफ में यूज़ हो रहा है लगभग इनका, जैसे इन और पॉलीमर्स लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग और इनएक्सपेंसिव होने की वजह से लगभग हर फील्ड में आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। थैंक यू गाइज, लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।